गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, अर्लियर वी हैव सीन अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने देखा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर और हम उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने देखा था कि कैसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमने देखा उसकी प्रिपरेशन टेक्निक्स फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट से कैसे फॉर्म कर सकते हैं, हम कैसे रिडक्शन ऑक्सीडेशन कर सकते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स का, एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्टर्स देयर वर मैनी रिएक्शंस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग इन डिटेल विद द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। अब हम इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे बेसिकली, कि जो भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड हमने फॉर्म किया या जो भी कार्बोक्सिलिक कंपाउंड नोन है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वेदर दे आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, वेदर दे आर सॉल्युबल इन अदर सॉल्वेंट्स लाइक नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और नॉट, एंड ऑल्सो वी विल सी अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो लेट अस बिगिन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी में, वेरी फर्स्ट हमने इससे पहले भी देखा था स्टूडेंट, जब हम कंपेयर करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन हाइड्रोकार्बन्स को भी, तो जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है वो होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के। हम इसका रीजंस देखेंगे कि वाई इट इज़ सो, और कंसिडर करेंगे कि सारे क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को, लोअर क्लास जो है, हायर क्लास जो है, उनके केस में बॉइलिंग पॉइंट पर कोई इफेक्ट आता है कि नहीं, या कोई डिफरेंस आता है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहली बात करें, सो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अप टू 9 कार्बन एटम आर कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अगर हम बात करें उन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स की या कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड की जो 9 कार्बन एटम तक हैं, अप टू 9 कार्बन एटम, उनका जो बेसिक फीचर होता है वो क्या होता है कि वो कलरलेस लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ओके, एंड स्टूडेंट्स अगर इसी कैटेगरी में दूसरी बात करें, तो सेम कार्बोक्सिलिक कंपाउंड मतलब अप टू 9 कार्बन एटम्स, इनके पास क्या होता है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें ऑर्डर होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द थर्ड, दैट इज़ अगर हम हायर क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, सो हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स एंड आर प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी। मतलब अगर हम हायर क्लास ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें, अगर हम बात करते हैं जैसे कि हमने बात की अप टू 9 कार्बन एटम, ठीक है, या अप टू 8 कार्बन एटम, तो उन तक क्या होता था कि लिक्विड्स रहते थे कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे। लेकिन जैसे ही ये हायर क्लास में गए अप टू 10 कार्बन एटम एंड मोर, तब क्या हुआ कि ये वैक्स टाइप के रहे सॉलिड, ठीक है, लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होकर वैक्सी टाइप सॉलिड में आ गए, और इनके पास कोई स्मेल नहीं था, दे आर ऑर्डरलेस। ओके, और इसका रीज़न दिया गया कि वो लेस वोलेटाइल है। नाउ स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट लास्ट, यहाँ पे अगर हम एक लास्ट पॉइंट देखें, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी हायर बॉइलिंग पॉइंट होती है। हमने पहले भी देखा ये चीज़ कि अगर हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या हाइड्रोकार्बन्स रखें जो कि कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के हैं, तो हम पाएंगे कि जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होगा वो ज़्यादा, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। इसके रीज़न को अभी हम डिस्कस करेंगे। रीज़न स्टूडेंट्स हमेशा एच बॉन्डिंग ही होगा, क्योंकि इनके केस में एच बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे एक और फैक्टर ओवर रूल कर जाता है, वो है डाइमर, क्योंकि ये ज़्यादातर वेपर स्टेट में क्या करते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। अभी हम उसको आगे देखेंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख रहे हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने ब्यूटरल डिहाइड लिया और हमने ब्यूटेनोइक एसिड लिया। सो इन दोनों के केस में जब बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, ब्यूटेनोइक एसिड की। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कमिंग टू द रीज़न, ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स बेस्ट रीज़न आपको कभी भी अगर देना है किसी कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है, तो आप कह सकते हैं उसमें एच बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं द सेम रीज़न इज़ गिवन, द दिस इज़ ड्यू टू मोर एक्सटेंसिव एसोसिएशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल थ्रू इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग, ठीक है।
जो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होते हैं वो इंटर मॉलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं, तो इनको ब्रेक डाउन करना क्या होता है इतना ईजियर नहीं होता है, जिसकी वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हमने एक आर सी ओ एच कंपाउंड लिया है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। आप देख सकते हैं अदर मॉलिक्यूल ऑफ आर सी ओ एच बॉन्ड के साथ। ओके, यहाँ पे आर कोई भी ग्रुप हो सकता है, इट मे बी एनी अल्किल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी ग्रुप हो सकता है। लेकिन स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि अगर इनकी साइज़ इंक्रीज़ करेगी, मतलब अल्किल ग्रुप की साइज़ जब इंक्रीज़ करती जाएगी तो यहाँ पे जो अगर हम सॉलिबिलिटी की बात करेंगे तो वो डिक्रीज़ होती जाएगी। अभी हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स एक और फैक्टर अगर हम देखें कि द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन कम्प्लीटली इवन इन वेपर फेज, इवन अगर हम वेपर फेज तक भी चले गए हैं तब भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। इनफैक्ट मोस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज डाइमर इन द वेपर फेज, जबकि ज़्यादातर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं वो डाइमर की तरह रहते हैं वेपर फेज में भी, ठीक है, या अगर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है उसमें भी। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया है आर सी ओ एच, ठीक है, और एक और मतलब दो कार्बोक्सिलिक कंपाउंड है आर सी ओ एच आर सी ओ एच। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या है, ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, दे आर एग्जिस्टिंग लाइक डाइमर्स, जो कि एक बड़ा रीज़न है ये चीज़ प्रूव करने के लिए कि क्यों कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। ओके, सो स्टूडेंट्स मतलब अगर आपके एग्ज़ाम में ये आता है, आपको डिफरेंट कंपाउंड्स दे दिया और आपसे बोला कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, सो यू विल चूज़ द कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। ओके, आपको देखना रहेगा कुछ फैक्टर्स को कि सबका जो मॉलिकुलर मास है वो कंपरेबल है, कंपरेबल इन द सेंस अगर आप किसी एक कंपाउंड का 68 है दूसरे का 70 है 68 है तो भी ये फैक्टर काम करेगा। लेकिन स्टूडेंट्स इन केस अगर आप बात करिए कि हमने कोई कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लिया है जिसका 68 ही है और किसी एक ऐसे अल्डिहाइड का है जिसका 80 प्लस है या जो भी है, तो आपको उसको ध्यान देना, ठीक है। हम हमेशा जब भी इक्वेट करेंगे तो हम इक्वल या कंपेरेबल मॉलिकुलर मास के केस में करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट सॉलिबिलिटी। स्टूडेंट्स अगर सॉलिबिलिटी की बात करें तो कुछ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, मतलब बेसिकली फोर कार्बन एटम तक, हम कह सकते हैं ब्यूटेनोइक एसिड तक, वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को आप डिजोल्व कर सकते हैं वाटर में, ईजिली डिजोल्व हो जाता है, लेकिन अगर आप हायर कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जैसे जैसे अल्किल ग्रुप इंक्रीज़ करते जाएगा, जैसे अगर हम ब्यूटेनोइक एसिड का कंपेरिजन करेंगे टू पेंटेनोइक एसिड, तो ब्यूटेनोइक एसिड मोर सॉल्युबल होगा देन पेंटेनोइक एसिड। ओके, और स्टूडेंट्स अगर हायर कार्बोक्सिलिक एसिड लें तो वो क्या हो जाते हैं, वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। अगर हम ऑक्टेनोइक एसिड ले रहे हैं या डेकेनोइक एसिड ले रहे हैं तो ये सारे एसिड्स क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे वाटर में। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें अल्किल चेन बढ़ रही है। ओके, तो ये इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन पार्ट का। हाइड्रोफोबिक दैट मीन्स वाटर हीटिंग, ठीक है, जिनको वाटर से डर है तो वहाँ पे आप सॉल्युबिलिटी जो देखेंगे वो नहीं दिखेगी आपको। ओके, मतलब स्टूडेंट्स अगर आपसे कोई बोलता है कि एक कंपाउंड दे दिया CH3COH और एक कंपाउंड दे दिया CH3CH2 6COOH, ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन इथेनोइक केस आप कहेंगे इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, बट इन केस ऑफ दिस कंपाउंड दैट इज ऑक्टेनोइक एसिड आप कहेंगे इट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब बात करें कुछ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक कंपाउंड की। तो अगर हम बेंजोइक एसिड की बात करें तो ये एक सिंपलेस्ट एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि कोल्ड वाटर में भी इनसॉल्युबल है, ठीक है, हॉट वाटर कोल्ड वाटर कोई भी है उसमें इनसॉल्युबल है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक ऑर्डर देख सकते हैं कि आपको कोई भी सीरीज़ दी हुई है तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन से होंगे, जो लोअर कार्बोक्सिलिक कंपाउंड होंगे वो मोर सॉल्युबल होंगे वाटर में, हायर वाले इवन सॉल्युबल भी नहीं होंगे। ओके, नाउ स्टूडेंट्स द वेरी लास्ट पॉइंट दैट कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑल्सो सॉल्युबल इन लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कुछ लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं जैसे कि बेंजीन है विच इज़ C6H6, कोई भी ईथर हो गया CH3O CH3, तो इन सब में क्या है, ये सॉल्युबल होते हैं जैसे क्लोरोफॉर्म है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.